यहाँ तूफान आई हुई है तो आवाज़ आएगी थोड़ी, प्लीज़ इग्नोर जो मैंने कहा था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तुम्हें बताने आ गई। जानसू हसन के घर की चाबी बनवाई थी, सिक्योरिटी कहे चला गया जानसू के लिए रास्ता साफ करके। जानसू घर के अंदर दाखिल हुई और हसन का ऑफिस छान मारने लगी। उसके बाद उसे लग रहा है कि वो गन ढूंढ रही है। तभी उमर आता है उसकी दूर की गर्लफ्रेंड को समझाते हुए कि शायका उसकी लवर नहीं बल्कि दोस्त है, पर वो नहीं मानती। जानसू छुप जाती है और उमर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को शायका को तंग करने से मना करता है और साथ में शायका को भी इत्तला कर देता है कि उसने उसके दूर की गर्लफ्रेंड को समझा दिया है। फिर सादिक के बताए हुए कोई फाइल लेता है और चला जाता है। जानसू सब सुन लेती है और उसके बाद गन ढूंढना शुरू करती है। अरे एक गन के लिए हसन के पास जाने की क्या जरूरत है, और भी कोई तरीका होगा गन पाने का, बहुत ही बेकार आइडिया है। एनीवेज जानसू को गन मिली कि नहीं वो नहीं दिखाया। सादिक ने पता लगाया काया के बारे में और हसन को बताया कि काया आलिया का सबका शौहर था, दोनों का बहुत बुरी तरीके से डिवोर्स हुआ। सादिक के लव्स कुछ ऐसे थे कि शायका जैसे आपसे बहुत प्यार करती है अब भी, वैसा काया और आलिया में नहीं रहा। काया ने बिना बताए मुल्क छोड़ दिया, आलिया को अकेला छोड़ दिया। हसन पूछता है तुमको बचपन में बहुत मार पड़ी थी क्या, इसलिए अकल चली गई है। यार सही में सादिक को ऐसा क्यों लगता है कि शायका हसन से प्यार करती है। एनीवेज कबाब खाते हुए हसन कहते हैं कि काया और आलिया की दुश्मनी है तो काया कंपनी के लिए सही नहीं है, बेटर होगा जल्दी चला जाए। आलिया और काया ने जहरा और कुंवर को छुड़वा दिया। गाड़ी में बकवास करते हैं वो लोग और जहरा काया का वेलकम करती है। उसके लिए तो काया का वहाँ आके उनको बचाना सरप्राइज ही है। आसमा उस पेंटिंग को देखने आती है तो उसे दिखता है कि उस पेंटिंग में अलग अलग कलर के वाटर कलर्स के छींटे लगे हुए हैं। आसमा यल्दिस को बुलाती है और बातें सुन के लगता है कि आसमा ने शायद हाली चांद के लिए वाटर कलर रखा हुआ था और हाली चांद को आयशा के साथ रख के गई थी और पता नहीं कैसे उस पेंटिंग में वो कलर्स लग गए, या तो बेबी ने कर दिया या फिर गलत जगह पेंटिंग रखने की वजह से हुआ। यल्दिस गीले कपड़े से पोंछने की कोशिश करती है पर और बिगड़ जाता है। तभी फरीदा आ जाती है और वो लोग ये सब छुपा के बहाना बनाने लगते हैं, फरीदा को भेज देते हैं। पेंटिंग्स तो कांच के फ्रेम्स में आते हैं ना ताकि उसमें कोई दाग ना लग जाए, ये लोग खुले में कैनवस खरीद लाए। कुंवर आलिया से पूछते हैं कि काया के रहते आप हसन से शादी की बात करेंगे, आलिया कहती है नहीं। कुंवर पूछते हैं क्यों, आप उसके रहते हालिद से शादी कर चुकी थी ना, आलिया कहती है तब बदले की वजह से पर अब मुमकिन नहीं। यल्दिज आलिया से पूछती है कॉल में कि आदमी मिला क्या पेंटिंग बेचने के लिए, आलिया कहती है नहीं। यल्दिज कहती है मेरे बेटे से ये दाग लग गया पेंटिंग में, अब कुछ हो सकता है क्या, आलिया कहती है कोशिश करूंगी। यल्दिज इत्तला कर देती है कि आपका साहब का शौहर आ रहा है हमारे घर, इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो। आलिया कहती है नहीं हूँ, पर किसके साथ आ रहे, शायका। ओके चलो बाय। कुंवर पूछता है आप यल्दिज की हेल्प क्यों कर रहे हो, आलिया कहती है शायका के अगेंस्ट यल्दिज मेरे साइड रहेगी इसलिए, वो हसन को कायल करने का सोचती है पेंटिंग के लिए क्योंकि वो इन मामलों में थोड़ा बुद्धू है। शायका आती है काया के साथ यल्दिज के घर, काया और जुनैद मिलते हैं। जुनैद काया से पूछता है कैसे आना हुआ इस्तांबुल और परमानेंट रहोगे कि नहीं। शायका जवाब देती है कि काया नहीं आता, वो मेरे साथ हुए नाइंसाफी के लिए आया है, मैं जुनैद के सामने उसके डैड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जुनैद कहता है प्लीज़ कैरी ऑन। शायका कहती है हसन ने मुझे आलिया के साथ चीट किया। दोनों हैरान। शायका कहती है सच में यल्दिज मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम किस तकलीफ से गुजरी हो, कितनी बार तुम्हें धोखा दिया गया। यल्दिज मुंह बनाती है, काया शायका को रोकता है। जुनैद यकीन नहीं करता। यल्दिज काया से पूछता है तो वो कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं। जुनैद का कैरेक्टर ना मुझे बहुत ही स्टैचू जैसा लगता है, एज इफ उसमें कोई फीलिंग्स या दिमाग से सोचने की एबिलिटी नहीं दिखती। यानी जब शायका ने कहा यल्दिज की ज़िंदगी के धोखे के बारे में, जुनैद को यल्दिज से हमदर्दी करनी चाहिए थी, पर वो तो दूर की बात, वो बहाना ढूंढता है कब यल्दिज फंसे और वो उससे नाराज़ हो। बेटर होता अगर करीम यल्दिज का शौहर होता। अरे एक मिनट, इतनी सारी बातें हो रही है तो ये भी काया को बताया जाए कि उसकी बहन कैसे बहन जी बन के नाटक कर रही थी जुनैद से शादी करने के लिए, पर काया तो वो भी नज़रअंदाज कर देता। एनीवेज यल्दिज को शायका बहाने से किचन में लेके जाती है और दोनों आपस में अपने मामलों को लेके बात करते हैं, लाइक हसन और आलिया वगैरह। आलिया हसन के पास आकर कहती है मेरी एक दोस्त बुरे दौर से गुजर रही है माली हालत से, उसके पास एक पेंटिंग है आप खरीदेंगे। हसन कहते हैं दिखाई पेंटिंग। हसन पेंटिंग देखते हैं और फिर कहते हैं इसमें तो किसी बच्चे ने रंग घिस दिया है। आलिया पट्टी पढ़ा के पिकासो के मुहावरों से हसन को कायल करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। ऊपर से कहती है इसका प्राइस है 200,000 टर्किश लीरास। हसन कहता है क्या, सदा ही ठंडा पानी लाओ। एनीवेज आलिया के बहुत कहने पर भी हसन को खरीदनी नहीं है। आखिर में हसन उसे काया का पूछता है, आलिया कहती है कि हाँ वो मेरा साहब का शौहर है। हसन दरअसल जानना चाहता है कि काया किस तरह का इंसान है। आलिया बताती है अपने माजी का और कहती है कि जो भी हो वो हमारी पर्सनल बात थी, पर आप काया को लेकर चिंता मत कीजिए, सबसे सही आदमी है वो। अगली सुबह हसन सादिक से पेंटिंग के बारे में पता करवाता है, यानी वो हेल्प करना चाहता है, पर इतनी बुरी पेंटिंग कैसे खरीदे, क्या पता ये आलिया खुद ही बेच रही हो पैसे ऐंठने के लिए, इसलिए सादिक पता लगा रहा है। आलिया यल्दिज को बताती है कि हसन को बेच रही हूँ पेंटिंग। यल्दिज चौंक जाती है, वो नहीं चाहती थी कि उसका ससुर खरीदे, पर आलिया के पास और कोई चारा नहीं।
यिल्दिज़ पूछती है आलिया को हसन और उसके बारे में। आलिया खारिज करती है। यिल्दिज़ आलिया से कहती है कि काया परमानेंट रहेगा यहाँ। यू नो व्हाट, ये लड़की कौन है? उमर की दूर की गर्लफ्रेंड। शायका का वेट करती है और उसके आते ही उस पर टूट पड़ती है। मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दो, शायका कहती है। आई डोंट केयर, कौन तुम और कौन उमर? वो लड़की उससे हाथापाई करती है और शायका उसे ढकेल देती है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। साइको है शायद। तभी उमर आता है और सिक्योरिटी के साथ सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीरियसली गिरने से कोई बेहोश नहीं होता, पर शायका को उसकी खुद की दवाई चखनी पड़ी। गाड़ी में शायका और उमर झगड़ा करते हैं, पर ये लड़की तो फिट एंड फाइन है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तभी जानसू कॉल करती है उमर को और उसका नाम तो मरवी से सेव किया हुआ है, तो कॉल में उसका नाम मरवी देख शायका कहती है उस लड़की से कि देखो ये मरवी है इसकी गर्लफ्रेंड, मैं नहीं। वो लड़की उमर पर चिल्लाने लगती है, ये लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही है किसी सीरीज से, पता नहीं। सादिक हसन को बताता है कि पेंटिंग यिल्दिज़ की है, 100K लीराज से नीलामी से खरीदी है और 200K लीराज का कर्जा है उस पर। हसन चिल्लाता है, मेरी पार्टनर और बहू मुझसे पैसे ऐंठ रही है। फरीदा ने कहा था ये लोग सब क्रिमिनल है, मैंने ही नहीं माना। सादिक समझाता है ज़रूर कोई जवाब होगा यिल्दिज़ के पास, पर हसन ना मानते हुए जुनैद को बताने का सोचता है। हसन सबको इकट्ठा करता है। हसन मुद्दे पर आता है, बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक चलता है। हसन पूछता है यिल्दिज़ से, क्या तुमने उस घटिया पेंटिंग को मुझे बेचने की कोशिश की? सबके एक्सप्रेशंस हो। यिल्दिज़ डरती है और कुछ बोलती नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं एज इफ कितना बड़ा क्राइम कर लिया है उसने। कम ऑन, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो क्या इस बात का इशू बनाओगे? सीन यहाँ ख़त्म होता है। आलिया काया का उसके लिए नाराज़गी को देख के खुद को संभाल नहीं पाती। कुंवर उसे समझाते हैं कि काया से बात करो कि आप बेकसूर थी, शायका ने किया था सब। आलिया काया से बात करने जाती है, काया को सामने देख के वो टाल देती है बात को। काया जाने लगता है पर वापस आता है और आलिया भी वापस आ जाती है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और दोनों की आंखों में एक्साइटमेंट होता है, पर एपिसोड भी ख़त्म होता है। देखते आगे क्या कहना था उन्हें।